हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट आपको करा दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं उन 4 मॉक टेस्ट से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाए होंगे और जो बचे चैप्टर हैं उन चैप्टरों को हम अपने आने वाले दिनों में अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। जितने भी चाहती हैं एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा पढ़ सकते हो। कहा गया, एक तालाब की लंबाई दी गई है आपको 35 मीटर, चौड़ाई दी गई है 25 मीटर और कहा गया यदि उसमें 2500 घन मीटर पानी आता है तो तालाब की गहराई आपको बताना है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो कहने का मतलब फिर आप एक्टिव नहीं हैं अपनी पढ़ाई में। अगर आपने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कमी रही है अभी भी आपकी पढ़ाई में, तो उस कमी को आप पूरा करिए मेरे दोस्त। आप चीज़ों को समझिए और उत्तर दीजिए। अब देखो, जरा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। जो जो हमें दिया गया उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें तालाब की लंबाई, लंबाई का मतलब लेंथ, हमें लेंथ दिया है और कितना दिया गया, 35 मीटर हमने लिख लिया। लेंथ दिया गया 35 मीटर। देन हमें चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया गया, कितना दिया गया है, 25 मीटर। अब तालाब में होगा क्या, जरा बात को समझना। अगर मैं यहाँ से एक तालाब बनाऊँ तो भैया तालाब कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, तालाब कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये आपका क्या है, ये आपका घनाभ है। क्या है, घनाभ है। और घनाभ क्योंकि यहाँ ऐसे भी समझ सकते थे कि आपको घन मीटर में दिया गया है और हमने बताया था घन मीटर में जब भी कभी चीज़ दी जाएगी तो समझ जाना वो आयतन दिया गया है। वो क्या दिया गया, आयतन। अगर यहाँ पर सभी साइडें बराबर होती तो ये क्या हो जाता, घन का आयतन हो जाता। लेकिन यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो भी है सब अलग अलग है, और जब अलग अलग होता है तो ये घनाभ का आयतन हो जाता है। घनाभ का लेंथ दिया गया 35 मीटर, घनाभ मतलब तालाब, और चौड़ाई दिया गया 25 मीटर। तो घनाभ की गहराई आपको बताना है। गहराई का मतलब हमने क्या बताया था, ऊंचाई ही तो गहराई होगी भाई। ऊपर से नीचे को देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी, और नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। दोनों चीज़ें सेम होती है। तो कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है, बस हम हाइट निकाल देंगे। तो अब तालाब का हमें क्या दिया गया है, पानी घन मीटर मतलब आयतन दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो तालाब का आयतन होगा वो क्या होगा, तालाब के अगर मैं आयतन की बात करता हूँ तो तालाब का आयतन क्या हो जाएगा, जो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यही ना होता है। अब H की वैल्यू यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे, यानी कहने का मतलब L अगर मैं बात करूँ तो कितना है, लंबाई बात कर लेता हूँ तो 35 है, और चौड़ाई आपको कितना दिया, 25 दिया गया है। और H आपको ज्ञात करना है, H हमने ऐसे रखा, ये किसके बराबर होगा, ये 2500 के बराबर होगा, चूँकि दोनों क्या है, दोनों आयतन हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एच की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको आप क्या गुणा मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं, बट गुणे में ऑलरेडी है तो हम वहाँ पर बटे में लिख देंगे, यानी ये 2500 हमारा एज इट इज़ रहने वाला है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 35 × 25, तो ये आ जाएगा 35 और इंटू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, फटाफट काटिए, 25 से काट देंगे 100 बार, ये 100 बार कट गया, कट गया ना। 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35, 5 से काटेंगे 5 × 2 = 10, 20, 7/20 आ गया। तो अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो h की वैल्यू क्या, 20/7 आया, तो 20/7 कह लो, या आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। जब इसको आप काटोगे तो 7 × 14 कितना बचा, 6.0, 7 × 8 = 56। आगे कुछ कटेगा, नहीं कटेगा सर, तो हम बस 2.8 पर ही रुक सकते हैं, और ये क्या आ जाएगी, गहराई, वो भी किसमें, मीटर में। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। 2.8 मीटर क्या है, तालाब की गहराई है, चाहे तो ऊंचाई कहो चाहे तो गहराई कहो, बात आपकी क्या है, सेम है। नोट कीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, और वो क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना।
इजी प्रश्न था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर टू है ना, ये आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या दो, ये कह रहा है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है। एक घनाभ का क्या दिया गया, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया गया, कितना, 186 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई कितनी है, 7 मीटर, लंबाई 7 मीटर, और क्या आपको दिया गया, चौड़ाई, लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर हो, चौड़ाई क्या हो भैया, 5 मीटर हो, तो आपसे पूछे क्या है, जरा इस बात को समझना, तो पूछे हैं घनाभ की ऊंचाई बताओ। बिल्कुल जैसा अभी प्रश्न लगाए हो ना, बिल्कुल वैसा प्रश्न है, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा, बस ऊंचाई बताओ, इस प्रश्न को लगाओ उत्तर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ, इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर क्या आएगा बताओ। देखिए पिछली बार आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो आपको यहाँ पर आयतन दिया गया था, लेकिन इस बार क्या दिया गया, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ पता होना चाहिए कि एक्चुअल में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अगर पता है तो आप इसीलिए क्या करोगे, निकाल लोगे। अगर मैं कह देता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले आपको तो लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है लेंथ, 7 मीटर, तो हमने लिख लिया 7 मीटर। देन आपको ब्रेथ दिया गया कितनी, 5 मीटर, तो हमने क्या कर दिया, 5 मीटर कर दिया। अब हमसे ऊंचाई पूछे है, यानी हाइट पूछे है, बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमें दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया। तो एक्चुअल में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, जरा कमेंट करके बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सभी साथी बताएंगे कमेंट करके, है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 और क्या होता है, ब्रैकेट में LB, प्लस में BH और प्लस में HL, यही ना होता है, इसी में आपको सारा मान रखना है। देखो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2, लंबाई चौड़ाई 7×5=35, ये हो जाएगा 35 गुड़े, उसके बाद क्या है, BH को आप क्या मान लीजिए, X मान लीजिए, हमने H को X मीटर मान लिया कि X मीटर रहा होगा, तो 5x, b कितना, b 5x, तो ये हो जाएगा 5x हो गया, कोई इशू नहीं ना। फिर आपका है कितना, प्लस, बीच प्लस है भाई, तो एक प्लस लगा लेंगे, ये प्लस। फिर आपका HL का मतलब x और 7, तो 7x, ये आ गया 7x, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर होगा, 186 के बराबर होगा, क्लियर बात हो गई ना। अब क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, फटाफट कराओ, 35×70 70 हो गया, प्लस के 5×10 100 हो गया, और प्लस के 7×7 क्या हो गया, 14 100 हो गया, और बराबर के क्या हो गया, 186 हो गया। कैसे, तो इसको पहले हमने इससे गुणा कराया, फिर इससे गुणा कराया, और फिर जाके हमने इससे गुणा करा दिया। मैंने समीकरण सॉल्व करना आपको बताया, 70 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 100 हो गया, बराबर के 186 माइनस के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अब x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो उधर कितना बचेगा, उधर 6 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, इतने बचेगा ना, और बटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हो, किससे कट जाएगा भाई, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4×8 3 बच गया, 8×3 11 4×9=36, 4 से काटेंगे, 4×6=24, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6×5=30 ज़्यादा हो जाएगा, 6×6=24 कितना बच गया, 24×5=29, 5 दशमलव लगा के उस 5 में 0 50 हो गया, 6×7=42, 6×8=48, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो कितना आएगा, 4.8, चूँकि सारा कुछ हमें मीटर में दिया गया था तो ये भी मीटर में आएगा। x की वैल्यू आ गई 4.8, और x हमने क्या माना था, हाइट, वही क्वेश्चन में पूछा था, तो 4.8 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, 4.8 के आ जाएगा आपके प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके, कितना आएगा, 4.8 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं, नोट हो गया ना, क्लियर। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 3, क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, जरा उसको समझो और बताओ उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है, रेडियस वो कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तथा वृत्त का कोण, वृत्तखंड का कोण तथा सॉरी त्रिज्यखंड का, तथा त्रिज्यखंड का कोण आपको दिया गया, त्रिज्यखंड का कोण भी आपको दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, कोण तो 30 डिग्री दिया गया है, 30 अंश दिया गया, 30 अंश हो तो क्वेश्चन पूछे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। लगाओ प्रश्न को भाई, इस प्रश्न को लगाओ, क्या आएगा उत्तर आप बताओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बताओ। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं। देखिए मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक ही होता है कि सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर फार्मूला आपको पता है ना, तो मेंसुरेशन का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। बस मेन पकड़ बनानी फार्मूला पर। और अगर आप चाहते हो कि आपको फार्मूला ना याद करना पड़े, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सीमित मात्रा में क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाओ, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को लगाओ। अगर एक क्वेश्चन को आप 4 या 5 बार लगा लेते हो, तो उस क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस प्रश्न को लगाते हैं भाई। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, आर की वैल्यू हमें 21 सेंटीमीटर दिया गया, हमने लिख लिया, और हमें थीटा, थीटा मतलब एंगल दिया गया कितना, 30 डिग्री। तो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे हैं। अरे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी लोग जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा एक कोण दिया होता है ना, तो बस कोण बटे 360, थीटा बाई 360 रखिए मान यहाँ पर। अगर मैं मान रखूँगा तो पाई आर का मान कितना होता है, 22/7 गुणे रेडियस, रेडियस कितने 21, तो 21 का स्क्वायर हम 21 × 21 लिख सकते हैं, 21 × 21 और इंटू थीटा का मतलब 30, और बटे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 0 से 0 ख़त्म, 3 से काटोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 = 12 चला गया, 7 से काटेंगे 7 × 3 कितना हो गया, 21 हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ऊपर बचा 22 × 21 और बटे कितना बचा, 4, 4 से काट देना इसको, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 21 × 5 कितना होता है, 21 × 5 = 105, 105 के हो गया 5, हासिल कितना आ गया, 10 आ गया। 21 × 5 = 105 और 105 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 115 ये हो गया 115। अब दशमलव कितने अंक बाद लगा, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद लगा देंगे 115.5, और किस में आएगा, चूंकि किस में, 10 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे करते हैं, अगर मान लिया आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते बताओ ज़रा। यहाँ 21 था, यहाँ कितना था, 5.5 था ना, और 5.5 का मतलब क्या होता है भाई, 5.5 का मतलब क्या होता है, 5.5 का मतलब 11/2 होता है भाई, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। अब इंटू क्या कर देते आप, कितना था, 21 था, अब आप इसको सॉल्व करते तब भी आपका 115.5 आता भाई, 2 × 1 = 2 = 0, 2 × 5 = 10, 10.5 गुणा कराते 11/5 = 55, 5 आ गया, 11 × 0 = 0, ये 5 आ गया, 11 × 1 = 11 आ गया, 0.1 अंक पहले, 115.5। तो चाहे तो पॉइंट में कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर आगे पहुंचते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, है ना, अगर समझ आ रही है तभी करना, फालतू का नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा 25 m² + 30 m + 30 m और + के क्या है, 9 के गुणनखंड करो।
इसके आपको गुणनखंड करने। देखो मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में डिफिनेटली आएगा, 110% ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पेपर तो दिया ही होगा भाई, ये तो जाहिर सी बात है, पेपर दिया है तो आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, 2019 की बैच की बात कर रहा हूँ, मैंने सेकेंड में पढ़ाया, वैसे आप भी 2019 बैच से हो, थर्ड में पढ़ाया, फोर्थ में पढ़ाया, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर कहने का मतलब आप इस पर पकड़ बनाइए और आप चीज़ों को समझिए। हमेशा ऐसे प्रश्नों की ना आप तुलना कर लिया करो। आप इस प्रश्न की तुलना किससे करोगे भाई, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी प्रकार का व्यंजक है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ए बराबर कितना है, देखो जरा, ए बराबर 25 है, हमने लिख दिया 25। बी बराबर कितना है, तो बी बराबर आपका 30 है, हमने लिख दिया बी बराबर 30। और मैं सी बराबर की बात कर लूँ तो सी बराबर 9 है, सी 9 हो गया। अब होता क्या है, ए इंटू सी होता है, तो अगर मैं यहाँ पर ए इंटू सी करूँगा तो ए इंटू सी मतलब 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 9, अब गुणा करेंगे तो कितना, 9 5 45 के 5 4 9 दुनिया 18 4 22 225। अब 225 के हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि हमें बी वाले नंबर प्राप्त होना चाहिए, 30 प्राप्त होना चाहिए। और 225 तो बहुत आसान हो गया, 15 15 225 भाई, 15 इंटू 15 225। अब उत्तर आ गया भाई, हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे 25m² अब हम 30m को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15m और प्लस में 15m और प्लस में 9। ओके, दो दो के पेयर बना के कॉमन लीजिए फटाफट से। इधर कॉमन क्या मिला मेरे दोस्त, इधर 5, देखो इधर 15 25 कॉमन नहीं, लेकिन इनके फैक्टर में कॉमन है, 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 एम कॉमन लिया मैंने, क्योंकि एम भी है ना यहाँ पर, तो 5 एम कॉमन ले लिया, तो 5 पंजे 25, 5 एम प्लस के 5 तीन 15, 5 एम प्लस के 3 बच गया। इधर कॉमन भाई 15 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो प्लस के 3 कॉमन, 3 पंजे 15 और ये एम बच गया, 3 3 9 ये हो गया। 5m प्लस के 3 दोनों में कॉमन, तो 5m प्लस के 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या बचा, 5m प्लस के 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या आपकी समझ में आया है, 5m प्लस के 3 5m प्लस के 3 ये आपका राइट आंसर है। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या नंबर कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा 5, प्रश्न संख्या नंबर 5। ये बात समझे कि नहीं समझे भाई, आसान क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको किस में दे रहे हैं हम, लॉग में। लॉग का एक क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है, लघुगणक का क्वेश्चन। वैसे मैंने अभी लघुगणक आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन इससे पहले मैंने लघुगणक बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई बराबर है आपका लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, वो चीज़ आपको सिद्ध करना कि x बराबर y बटे y माइनस 1, y माइनस के 1, ये आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको कैसे आप लगा सकते हो, इसको कैसे आप लगा सकते हो, जरा देखो मेरी बात को समझना। ये log x प्लस वाई लिखा है, देखो log में एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अगर लिखा है log log m इंटू n, अगर ऐसे कोई चीज़ लिखी मिल जाती है तो log का फार्मूला है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, log m प्लस में log n, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर यही चीज़ आपको डिवाइड में मिल जाए ना, यही चीज़ अगर आपको डिवाइड में मिल जाए, कैसे, log m डिवाइडेड बाई
एन, ऐसे तो ऐसे वाला आप क्या कर सकते हो, इसको भाग घट जाता है, लॉग एम माइनस में लॉग एन हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, पूरा घातांक का नियम लगता है, बस लॉग यहाँ पर लग जाता है बस। तो वैसे आपको सिद्ध करना है, तो देखो क्या इतनी चीज़ को आप, इतनी चीज़ को देखो तो क्या आप इतनी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो भाई, ये चीज़ आपकी ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं लॉग एक्स इंटू वाई, यही ना कह सकते हैं, एक्स इंटू वाई बराबर, उधर हम कुछ नहीं करेंगे, उधर हम एज इट इज़ लिखा रहेंगे, लॉग एक्स प्लस में वाई, इसको हमने ऐसे ही लिखा रह दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग से लॉग को काट सकते हैं, छोड़ देंगे लॉग से लॉग को, तो ये क्या बचेगा, ये एक्स इंटू वाई बराबर कितना बचेगा, एक्स प्लस में वाई बचेगा। मस्त वाली बात हो गई ना, समझ गए आपकी नहीं समझ गए। अब यहाँ पर मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको y बटे y माइनस के x लाना है। आप कैसे ला सकते हो, जरा सोचो कैसे ला सकते हो, बात को समझने वाली है कैसे। देखो y गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी x बराबर के ये हो गया x प्लस में y, y कहाँ आ गया, बटे में आ गया, y कहाँ आ गया, बटे में आ गया, या आप यहाँ से x को बटे में ले कर दीजिए। वैसे आपको मान निकालना था x का, मान निकालना था x का, लेकिन आप यहाँ पर देखो x ही ना, अगर y बटे में कर देते तो x प्लस y बटे में क्या आ जाता, y आ जाता। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। अब आपको वहाँ पर y लाना, ऊपर y लाना है, नीचे आपको माइनस के 1 लाना है, आप कैसे यहाँ पर कर सकते हो, आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, जरा मेरे दोस्त बातों को समझना, जरा बातों को समझने का प्रयास करना। इधर x प्लस वाई था और इधर x इंटू वाई था, इतनी बात समझ गए हो ना। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जरा बात को समझना, मैं यहाँ पर अगर कुछ कॉमन मिलता है क्या भाई, जरा सोच लेते हैं, कुछ कॉमन x इंटू वाई, एक्स प्लस के y हो गया, ये हो गया इतना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x बराबर इधर हमने भेज दिया, या हम इधर इसको वो x को इधर ले आते हैं, ये भी बात सही है, तो हम x को इधर ले आएंगे ना। अगर हम x, देखो भाई बात को समझना, अगर हम x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये ब्रेकेट में क्या बच जाएगा, ये x इंटू के y, और माइनस के क्या बच जाएगा आपका x, ये प्लस से इधर माइनस में क्या आ गया, आपका x आ गया, और बराबर उस तरफ क्या बच गया, y बच गया, ऐसे वाला, मस्त वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये x है, ये x है ना, और ये x है, तो ये x क्या होगा, कॉमन मिल ले सकते हैं, तो x बराबर x इंटू, मैं इसको ये कह सकता हूँ y माइनस के 1, क्योंकि भैया x से x कैंसिल, या x हमने कॉमन ले लिया तो इतना ही तो बचा, बराबर ये क्या बच गया y, अब ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बटे y माइनस के 1। देखो क्या हमने यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था, x बराबर y बटे y माइनस के 1, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ये रूल काम किया, देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि किस, कैसी आप क्रिया यहाँ पर संपन्न करो कि यहाँ पर आपका 1 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्लस से इधर माइनस में ट्रांसफ़र कर दिया x को, तो हमने देखा x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y माइनस के 1 बच जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच गया, मेरा काम हो गया, x इज इक्वल टू y बटे y माइनस के 1, जो कि प्रूव हो गया है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं लघु गणक का चैप्टर पढ़ाऊँगा, इस बात से आप निशा खाते रहिए, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया भाई, प्रूव हो गया, आंसर क्या आना था, प्रूव हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं, उसका उत्तर बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ गए हो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको ऐसे प्रश्नों में, नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा है दो हज़ार रुपये का 20% वार्षिक की दर से, 20% वार्षिक दर से एक सही एक बटे दो वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, इस प्रश्न को लगाओ। लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्योंकि इसमें एक लाइन और दी गई है, बताओ
जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, जबकि ब्याज क्या हो रहा है, छमाही संयोजित होता है। ये मस्त क्वेश्चन है ना, संयोजित होता है। अगर लैंग्वेज पकड़ गए तो फिर क्वेश्चन लग जाएगा, और लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन दिक्कत कर जाएगा। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपसे क्या बताया था, लास्ट में आ गया छमाही, लास्ट में आ गया छमाही। जब भी कभी छमाही की बात करेगा ना, छमाही की, तो एक तो रेट भी आपकी किस में होगी, छमाही में होगी, और एक आपके टाइम भी किस में हो जाएगा, छमाही में हो जाएगा। भाई छमाही का मतलब 6 6 माह के कितने वो बनेंगे ग्रुप, तो चूंकि 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष में मतलब एक तो एक पूरा वर्ष हो गया, एक आधा वर्ष हो गया, आधा वर्ष का मतलब 6 महीने, और 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। अगर आप 12 महीने को 6 6 महीने में डिवाइड करोगे तो 6 6, 1 वर्ष में 2 छमाही और आधी ये, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। जाहिर सी बात है 3 छमाही हो गया। रेट आपकी किसी 10 20%, अगर 20% वार्षिक थी तो छमाही के लिए 2 से भाग कर देंगे, 10% छमाही आपकी रेट बनेगी। बस यही लॉजिक था। अगर आप रेट और टाइम निकाल रहे हो तो क्वेश्चन लग गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, फार्मूला लगाओ भैया, ए बराबर पी 1 प्लस के रेट बटे 100 की पावर t। अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल कितना है 2000, ये हो गया 2000। 1 प्लस रेट कितनी है 10 बटे में 100, और इसकी पावर टाइम कितने छमाही है, 3 छमाही। 0 से 0 10 एकम 10 11 बटे 10, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 11 बटे 10, 11 बटे 10 और 11 बटे 10। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 3 थी, 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल, 11 ग्रहियम 121 ग्रहियम, 13 31, 13 31 × 2, तो ये करोगे 2 × 13 31, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, ये कितना आ गया, 2662 आ गया। भाई 13 दुना 26, 31 दुना 62, 2662, और ये निकल करके आया है अमाउंट, ये मिश्र धन निकल कर आया। हमें बताना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस के पी, यानी ये 2662 माइनस के क्या 2000, तो आंसर कितना आएगा भैया, 662 आपका राइट आंसर आएगा। 662 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, है ना, 662 10 बटे 11, ठीक है, 662 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, है ना, इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न वो होगा प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न संख्या नंबर 7, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा प्रश्न हमें दिया गया है, आगे दिया गया हमें सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन 7, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, वो नॉर्मल सा प्रश्न है, वो आप लगा लोगे तुरंत का तुरंत। ये प्रश्न कह रहा है कि 2500 का 2 वर्ष 6 माह, 2500 का 2500 का 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का क्या बताना आपको, 6% की दर से, 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताना है, बस इतनी सी बात जानना चाह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, फटाफट से बताओ। देन इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं आपके, उसके बाद फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, है ना, इसको बताओ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाइए बस भाई, प्रिंसिपल कितना है, 2500 मैंने लिख लिया प्रिंसिपल, 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष ये, और 6 माह है ना, इसको बट्टे में बदलोगे तो 6 बट्टे 12, वर्ष में 6 कम 6 6 दुनी 12, 2 दुनी 4 1 5 बट्टे 2 कह सकते हैं भाई, 2.5 वर्ष ये लिखा है, ये 2.5 वर्ष, और 2.5 वर्ष तो ये भी लिखा है, तो 5 बट्टे 2 वर्ष हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%,
टाइम है आपका कितना, 5/2, तो टाइम हो गया 5/2 और बटे में क्या हो जाएगा 100, तो ये 2 से गुणा में चला जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 5 3 15, 25 × 15 कितना आएगा, 15 चौको 60, 15 5 75 के 5 7, 15 2 9 30, 7 37, 375 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, 375 क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। यही अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो 25 × 3 2875 आपका अमाउंट हो जाता, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, एकदम ना नाजुक सा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न, वो भी बिल्कुल आसान है, उसको करके बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 7 हो गया, अब 8 होगा, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है 8^-4 का मान बताओ, 8^-4 का मान बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, और 2 मिनट मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। देखिए, अगर आप का कोई भी साथी यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रेगुलर क्लास चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेली क्लास चलती है, वो क्लास आपकी चलती है 4 बजे शाम को, जो अपना नेक्स्ट अदर चैनल है मैथ बाई ललित के नाम से, उस पर आपको सुपर टेट की क्लास और टेट की क्लास मिलती है, जिसमें एक क्लास कल चल चुकी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, 2 क्लासें चल चुकी हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, ठीक है ना। और उसके बाद 6 बजे क्या होता है, वहाँ पर 4th सेमेस्टर की क्लास चलती है, शाम 6 बजे 4th सेमेस्टर की क्लास वहीं पर चलती है, 4 बजे शाम को यूपी टेट सुपर टेट, 6 बजे शाम को 4th सेमेस्टर की, और दिन में 1 बजे सप्ताह में 3 दिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, मौलिक अधिकार का पहला पार्ट वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक बार आप वहाँ भी जाइए, चीज़ों को समझिए, अगर समझ में आएगा तो आप कहना, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, 8^-4 का मान, भाई हमने लॉजिक आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है धनात्मक बनाने के लिए इसके ऊपर बटे के 1 लगा देते हैं, बस 1/a^n, तो इसको भी हम क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के लिए 1/8^4 करेंगे, और 1/8^4 का मतलब 8 को 4 बार लिखो, 8 × 8 × 8 × 8 ऐसे वाला ना, अब इसको आप गुणा कराओगे तो ये हो गया 1 × 8 = 64 / 64 = 512, है ना, 8 × 32, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, देखो गुणा 8 × 64 = 48, 512, और 512 × 8 करोगे तो 8 × 2 = 16, 6 × 1 = 8, 8 × 9 हो गया 8 × 5 = 40, उत्तर कितना आएगा, 1/40/96, 1/40/96 आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो, 1/40/96 क्या है आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। फिर आगे पहुंचते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 9, और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है भैया कितना, हाँ, √3/4^(1/2) का मान क्या होगा, 4/2 है ये भैया, 1/2 नहीं 4/2 है, 4/2 का मान क्या होगा, इसका मान पूछे, मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह लेना तो इसके आगे हम बिल्कुल हलवा लिखते रहे, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इस प्रश्न में होगा क्या, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न में क्या होगा। जरा मैं आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास करना, ये क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि अगर मान लिया भैया कि ये लिखा है कि कोई नंबर ए लिखा, इसके ऊपर ये करड़ी लगी है, तो इस करड़ी को हम इसी फॉर्म में तो भी लिख सकते हैं, 1/2, ये बताया था कि नहीं बताया था, ये रूल बताया था ना मैंने, तो बस ठीक है, यही रूल आपको क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए अगर आप घातांक और करड़ी में अगर आपको दिक्कत हो रही ना, तो अभी आज ही क्लास वहाँ पर पड़ी है, पूरे मैंने 15 या 16 क्वेश्चन कराए हैं मैथ बाई ललित पर, ठीक है ना, क्योंकि 4th सेमेस्टर में भी घातांक और करड़ी है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सप्लेन किया है सारा कुछ मैंने वहाँ पर,
तो इसी तरह हम इस प्रश्न में क्या कह सकते हैं, ये हम इसको कह सकते हैं 3/4, और इसकी पावर क्या कह सकते हैं, 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है, तो होल पावर कितनी दी गई है, 4/2, तो हमने 4/2 लिख। अब पावर के ऊपर पावर, जब पावर के ऊपर पावर, ए की पावर एम इसकी पावर एन होती है, तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया। मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई कराओगे 3/2 हमारा, 3/4 हमारा ऐसे लिखा रहेगा, पावरों का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखो 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा, 4/2, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 2 खत्म, 3/4 की पावर 1, मतलब उत्तर कितना आएगा, 3/4, उत्तर कितना आएगा, 3/4 आपका राइट आंसर, 3/4 क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 10, प्रश्न संख्या नंबर 10 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो जरा समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि 2a/3 कितना है, 3 बराबर के कितना दिया गया, 3b, और बटे में कितना दिया गया, 4, और बराबर में क्या है, 5c, और बटे में क्या है, 6, तो आपसे पूछे हैं तो a(b)/c का मान क्या होगा, a(b)/c का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ क्या होगा। इससे मिलता जुलता कल एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें बस बटे नहीं था, लेकिन यहाँ पर बटे, देखो जब भी कभी ना बटे में अगर क्वेश्चन आ जाए, रेशियो बटे में निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आप हमेशा हरों का क्या लो, एलसीएम ले लो। 3, 4, 6 का LCM कितना होता है, 3, 4, 6 का LCM 12 होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा 2a/3 लिखा है, इनके एलसीएम से इसमें गुणा 12/3, भाई 3b और बटे में क्या है 4, इसमें भी 12 से गुणा 12/3, ये जाएगा 5c/6, इसमें भी क्या हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा, काटेंगे 3 चौके 12 और 4 दुनी 8 है, ये 4 दुनी 8 अनुपाते, 4 3 12 और 3 3 9 भी हो जाएगा अनुपाते, 6 दुना 12 और 2 5 10 c हो जाएगा। अब आपको इसको लगाना अच्छे से पता है, इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लोगे ना, कांस्टेंट वैल्यू मान लोगे, तो जब कांस्टेंट वैल्यू मानोगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 80, 10 9 90, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे तो हम ए बराबर क्या कह सकते हैं, ए बराबर k/8 आ जाएगा भाई, अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू मानूंगा तब की बात कर रहा हूँ ना, ये k/9 आ जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, k/10 आ जाएगा, और 10 9 8 का अब LCM लो। अब 10 9 8 का LCM लोगे तो 10 9 8 का LCM कितना आएगा, 10 9 8 का LCM, भाई 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, 10 से भी कटे, कितना आएगा, देखो 8 धाम 80, 9 धाम, 10 से काटेंगे तो 10 तो होगा नहीं, 9 90 तक देख लीजिए, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90, 90 नहीं आएगा ना, 90 का डबल देख लीजिए कितना आएगा, 180, कि 180 8 से कट रहा है, 8 दुनी 16 कितना बचा, 2 बचा 20 हो गया, नहीं कट रहा है, फिर उसके बाद 90 से तो कट रहा है, फिर कितना आएगा, 360, ऐसे देखो, अगर आप ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रही ना, तो आप ये काम कर लिया करो भैया, 8 9 और 10 का आप एलसीएम ले लो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 दुनी 4, 9 कटेगा नहीं, ये 5, अब 5 9 45, 2 90, 2 180, 2 360, एलसीएम कितना है, 360। तो आप यहाँ पर इस तरफ समझिए, एलसीएम कितना आएगा इस तरफ, देखो k/8 गुणा कराओगे 360, अनुपाते k/9 गुणा कराओगे 360 का, अनुपाते k/10 गुणा कराओगे 360 का, है ना। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ऊपर तो कुछ था नहीं, सॉल्व करोगे 8 चौके 32, 8 5 40, ये कितना आ जाएगा, 45 k आ जाएगा, अनुपाते 9 चौके 36, ये कितना आ जाएगा, 40 k आ जाएगा, अनुपाते ये कितना आ जाएगा, 36 k आ जाएगा, भैया k से k खत्म, उत्तर कितना आएगा, 45/40/36,
45:40, 40:36 कुछ कट नहीं रहा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हो, क्या आप इस बात से हमारे सहमत हो कि नहीं सहमत हो, बताओ कितना आएगा 45, 40, 36, ठीक है ना, समझ गए हो भाई इसको, बोलो इसको समझ गए हो ना, ठीक है। देखो अब मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, आपको अगर यहाँ पर कोई चैप्टर में दिक्कत है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में मिले हुए हैं, जैसे घातांक करड़ी हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो वो सब आप जितना पढ़ सकिए मेरे दोस्त, आप जितना ज्ञान ले सको उतना ले लो, क्योंकि आपको तो फ्री में मिल रहा है, और फ्री में जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे तब आपको इसी चीज़ का महत्व समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले अभी हम भी पहले ऐसा हुआ करते थे कि नहीं पढ़ेंगे यार, हम तो वहाँ कोचिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं दोस्त हो नहीं पाता है ऐसा, ठीक है ना, हो नहीं पाता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जहाँ से जो भी सीखने को मिले आप सीखते रहो, क्योंकि सीखना एक कला है, बस इस बात पे आप हमेशा डटे रहना, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रूर बताना, और मिलेंगे कल की क्लास में एक और मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 6 के साथ इसी टाइम। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।